मेरे फादर हार्ट पेशेंट है तो उन्हें 2 बार अटैक भी आ चुका है। उन्होंने लोन लिया फिर मुझे भेजा, 5 साल बाद डॉक्टर बन के आएगी। लोगों की जान को बहुत खतरा है, हम लोग वहाँ जा नहीं सकते, अपनी पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, और जाएंगे भी तो ऐसे देश में कैसे पढ़ पाएंगे। हमारा आगे का कुछ पता नहीं, इतना अनसर्टेनिटी में हम हर पल जी रहे हैं, हम हमारे पेरेंट्स। मैं सरकार से यही कहना चाहती हूँ कि एक टाइम के लिए हम लोगों को रिलैक्सेशन दे और हम लोगों के लिए ट्रांसफर परमिट करें। कोई हरियाणा से तो कोई बिहार से, एक सी उम्र और सपने भी एक जैसे। दुर्भाग्य ये कि इन सपनों के टूटने की कहानी भी एक ही जैसी है। अरमान था कि पढ़ लिख कर डॉक्टर बनेंगे। ये सपना पूरा करने के लिए घर वालों ने पाई पाई जोड़ी, किसी ने कर्ज लिया, किसी ने उधार मांगा, तो किसी ने जीवन भर की कमाई लगा दी। पढ़ाई के लिए अपने बच्चों को यूक्रेन भेजा, लेकिन रूस यूक्रेन जंग ने सारे सपने खाक कर दिए। एमबीबीएस की पढ़ाई बीच में ही अटक गई। उम्मीद के आखिरी रास्ते में भी कानून का रोड़ा आ चुका है। जो बाधा बन रही है वह है FMGL 2021 रेगुलेशन। इस रूल के अकॉर्डिंग हम जिस यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रहे हैं उसमें पूरा कोर्स हमें वहीं से ख़त्म करना होगा। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमारी डिग्री जो है इनवैलिड कर देगी इंडिया में, और जो है हम अभी वहाँ वापस जा नहीं सकते हैं क्योंकि वहाँ वार चल रही है, मार्शल लॉ लगी हुई है। ये फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट लाइसेंशिएट यानी PMGL 2021 बैच के छात्र हैं, जो कोर्स के बीच में यूनिवर्सिटी चेंज नहीं कर सकते क्योंकि कानून इसकी इजाजत नहीं देता। ये किसी दूसरे सेफ कंट्री में ट्रांसफर चाहते हैं, लेकिन एक पेंच यहाँ भी आड़े आ रहा है। मैं सरकार से यही कहना चाहती हूँ कि एक टाइम के लिए हम लोगों को रिलैक्सेशन दे और हम लोगों के लिए ट्रांसफ़र परमिट करें। कोई भी सुरक्षित देश जो है वहाँ हम लोग ट्रांसफ़र लेकर के जाएंगे, जहाँ तक कि हम लोग अपना पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकें। अब अपनी पढ़ाई मुकम्मल करने की फरियाद लेकर ये छात्र कहाँ कहाँ जाते हैं इसके बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। नेशनल मेडिकल कमीशन को भी हम लोगों ने पत्र लिखा, ईमेल लिखा, सब कुछ लिखा, लेकिन वो उन्हें कोई प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं दिया, ना कोई जवाब दिया। इस मिनिस्ट्री जाओ, उस मिनिस्ट्री जाओ, वहाँ अगर हम कॉल करते हैं तो बोलते हैं हमारे अंडर नहीं है, इसमें अगर सरकार इंटरफेयर करेंगे तो ऊपर से ही कुछ होगा। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री जाते हैं तो वो बोलते हैं हेल्थ मिनिस्ट्री जाओ, हेल्थ मिनिस्ट्री जाते हैं तो बोलते हैं NMC जाओ, इस तरह की बातें होती हैं। ये वही मेडिकल छात्र हैं जिन्हें मोदी सरकार ने यूक्रेन के वॉर जोन से बचाया था। जिंदगी तो बच गई लेकिन करियर दांव पर है। बचेगा या नहीं इसकी भी फिलहाल कोई गारंटी नहीं।